हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन का भरता। बट सॉरी ना, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मैं ब्लॉग शूट कर लूँ। उसके पहले ही मैंने बैंगन और टमाटर को गैस पर भून लिया था, क्योंकि उपले तो मिलना पॉसिबल है। और बाकी मैंने ये देखिए लहसुन कट कर लिया था, प्याज कट कर लिया है, और मैंने ये कढ़ाई पर ऑयल भी डाल लिया है। और मैंने क्या किया था पता है, आलू प्याज को मैंने कुकर पर ही उबाल लिया था, और भट्टा आलू प्याज टमाटर इन सबको ना बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था मैंने। अब चूँकि मेरा कढ़ाई में जो मैंने ऑयल डाला था वो गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें लहसुन डालूँगी, जीरे डालूँगी। ये देखिए, अब वेट करूँगी जैसे ही लहसुन थोड़ा सा रेड हो जाते हैं। हालाँकि मैंने टमाटर भी भूंज कर मिक्स कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा ना मैं अलग से भी टमाटर इसमें ऐड करूँगी कट करके, तो उससे थोड़ा सा टेस्ट ना और चेंज आएगा। क्योंकि कहते हैं ना, बैंगन के भरते में तो टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा रहती तो भी अच्छा ही लगता है। अब मैंने यहाँ पर जो चॉप की हुई थी प्याज वो मैंने इसमें कढ़ाई में डाल दी है। अब बस इसे हम चलाते जाएँगे। ये देखिए, हम इसे तब तक चलाएँगे जब तक कि हमारी प्याज रेड नहीं हो जाती है। इससे चलाते रहेंगे। और मेरे से सबसे बड़ी गलती हो गई एक्चुअली ना, मुझे मेरे माइंड से स्किप हो गया कि मुझे ब्लॉग शूट करना है। मैंने पहले ही सारा प्रिपरेशन कर लिया, और फिर सडनली मुझे याद आया कि सिर्फ मुझे तो ब्लॉग भी शूट करना है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी जो प्याज थी वो प्याज रेड हो चुकी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी। हल्दी के बाद इसमें हम मिलाएंगे टमाटर। और एक चीज़ बताना मैं भूल गई, मैं क्या करती हूँ कि हरी धनिया और लहसुन को ना पीस करना, जो मैंने मतलब मिक्स बनाया था भट्टा टमाटर आलू प्याज का, उसमें ना मैं मिक्स कर लेती हूँ, और नमक उसमें ही मैं नमक ऐड कर देती हूँ। इसलिए इसमें ज़्यादा नमक नहीं डालती हूँ मैं, बिल्कुल हल्का सा नमक इसमें मैं ऐड करूँगी कढ़ाई में, क्योंकि ऑलरेडी मैंने मिक्स में तो नमक ऐड कर ही चुकी हूँ। तो ये देखिए, टमाटर भी बहुत अच्छी तरह से हो चुके हैं। अब जो हमने मिक्स बनाया था ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और बहुत अच्छी तरह से इसको चलाती जाऊंगी। ये देखिए, थोड़ी देर से पकाऊंगी 5 मिनट के लिए, और जैसे ही सब बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, 5 मिनट पक जाएगा, तो फिर हम अपने बने हुए इस बैंगन के भरते को एक बाउल में निकाल लेंगे। अच्छा, जो जो लोग भी अगर रेसिपी देखकर ना रेसिपी रेडी करते हैं ना घर पर, तो प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताया करें कि कैसी बनी रेसिपी, ताकि अगर कुछ रह गया है तो मैं एटलीस्ट उसमें ऐड कर सकूँ नेक्स्ट टाइम के लिए। ये देखिए, बैंगन का भरता रेडी है। अब इसे थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए ऊपर से धनिया पत्ती तो डलेगी ही, क्योंकि बिना धनिया के तो कोई भी चीज़ अधूरी ही रहती है। तो प्लीज़ गाइस, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा कि कैसा टेस्ट था, और सब्सक्राइब कीजिएगा।